अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो डेफिनेटली आप कंसिडर करते हैं 6 या 7 सीटर SUV। लेकिन अगर आप ऐसे शहर में रहते हो जहाँ पर SUV चलाना एक सज़ा है, तो आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, मारुति सुजुकी XL6 और किया की कैरेंस। XL6 में आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं, लेकिन गाड़ी ये बेस्ड है मारुति सुजुकी अर्टिगा पर, जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है। किया कैरेंस ऐसी गाड़ी है जो काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी वैरायटी देती है आपको इंजन ऑप्शंस में। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में कौन सी गाड़ी ज़्यादा सेंसिबल है और कौन सी गाड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इनके साथ शेयर कीजिए जो एक 6 या 7 सीटर मार्केट में खरीदना चाहते हैं। वैसे XL6 मार्केट में काफ़ी टाइम से है, लेकिन इस साल मारुति सुजुकी ने इसे अपडेट किया है और बेसिकली ये सारे बदलाव है स्टाइलिंग डिपार्टमेंट में। अगर आप गौर से देखें तो इसे एक नया ग्रिल मिलता है, नए अलॉय व्हील्स मिलते हैं और काफ़ी सारे ट्वीक्स एंड चेंजेस किए गए हैं। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी दिक्कत है, वो ये कि ये गाड़ी अब भी अर्टिगा की तरह दिखती है और जिन कस्टमर्स को अर्टिगा से एसोसिएट नहीं होना तो वो शायद ये गाड़ी ना कंसिडर करे। किया कैरेंस की एक खास बात यह है कि इसकी स्टाइलिंग जो है वो काफ़ी लोगों को अपील कर जाती है, क्योंकि ये एक बड़ी किया सेल्टॉस नहीं लगती है, अलग प्रोडक्ट लगती है। और इसकी जो ओवरऑल लुक है, अपीयरेंस और रास्ते पर ये गाड़ी जो विजुअली बड़ी लगती है, ये इसकी एक खास बात हो सकती है। और एक और बात दोस्तों, लेंथ में किया कैरेंस XL6 से ज़रा सी बड़ी है। अब तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आपकी 3 row वाली गाड़ी है तो डेफिनेटली बूट्स पे ज़रा सी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। यहाँ पर भी सेम केस है, XL6 में आपको मिलता है 209 लीटर का बूट स्पेस यूजेबल और कैरेंस की ज़रा सी बेटर है 216 लीटर की। और इन दोनों गाड़ियों की जो एडवांटेज है, इनकी 3rd row फ्लैट फोल्ड हो जाती है और आपको ज़्यादा बूट स्पेस यूज करने मिल जाती है। अब बातें हो गई इनके स्टाइलिंग की और बूट स्पेस की, तो अब चलते हैं इनके कैबिन के अंदर। अब फाइनली बात करते हैं मुद्दे पर, मिडिल रो सीटिंग की, क्योंकि दोनों गाड़ियों में जो मिडिल रो है उन दोनों को कैप्टन सीट्स मिलते हैं। और इस वक्त हम है किया की कैरेंस में, आप ये ज़रूर बता सकते हैं क्योंकि इसके जो इंटीरियर्स है वो बेसिकली लाइट कलर्स के हैं। किया ने इस कैबिन में काफ़ी सारी फील गुड बातें की है, जैसे कि इसके जो मटेरियल्स है वो सॉफ्ट टच है, ओवरऑल कलर्स है वो लाइट है, आपको डेफिनेटली सनरूफ मिलता है, यहाँ पर आपको AC डक्ट्स अवेलेबल है। डेफिनेटली वो XL6 में भी है, लेकिन इस गाड़ी में आपको 3 row में मिलते हैं, जो XL6 में मिस आउट कर जाती है गाड़ी। एक और खास बात है दोस्तों, ये किया कैरेंस की थोड़ी सी USP है, जो कि है ये एक पार्सल ट्रे। आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जब आप कहीं बाहर जा रहे हो, या फिर कोई मीटिंग को जा रहे हो, या आपको आपकी मीटिंग गाड़ी में ही करनी हो। इसकी जो कैबिन है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको देखने मिलता है और आप इसे अच्छे से यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि आपके जो दोनों कैप्टन सीट्स हैं वो आगे पीछे फॉरवर्ड स्लाइड होते हैं। लेकिन ओवरऑल सीट की जो कंफर्ट है वो ज़रा सी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि इसकी जो सीट है वो इतनी आरामदायक नहीं है। और एक और खास बात दोस्तों, जब मैं इस कैबिन में बैठा पिछली सीट पर, मैंने ये बात नोटिस की कि ये सीट दरवाजे के काफ़ी करीब है, आपके शोल्डर का जो कांटेक्ट है वो आपके दरवाजे के पैनल से बार बार होते रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इन दोनों सीट के बीच में जो जगह है वो काफ़ी वेस्टेड है। अगर किया ने इन दो सीट को थोड़ा सा करीब ला दिया होता तो आपको आपकी राइट और लेफ्ट साइड में और भी बेहतर जगह मिलती। तो दोस्तों अब मैं आकर बैठ चुका हूँ कैरेंस की 3rd seat में, और देखकर आपको तो ये पता चल ही गया होगा जगह थोड़ी सी टाइट है, लेकिन अगर आप मुझसे पतले हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए ठीक ठाक जगह बन सकती है। और अगर आपके सामने आपकी फैमिली या फ्रेंड्स बैठे हो तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके ये भी कह सकते हैं कि सीट थोड़ी सी आगे ले लें। वैसे ये बातें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट है दोनों साइड, साथ ही में एक बॉटल होल्डर है दोनों साइड, और एक सेलफोन होल्डर है दोनों साइड के लिए। और कैबिन लाइट और AC डक्ट्स भी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छी अटेंशन टू डिटेल है। ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं है, लेकिन एक बात है दोस्तों, लंबी जर्नी के लिए ये गाड़ी की सीट नहीं बनी हुई है। ये था किया कैरेंस का 2nd और 3rd row का एक्सपीरियंस, और अब चलते हैं मारुति सुजुकी की XL6 में। XL6 के मिडिल रो की अगर बात करें तो दोस्तों सबसे पहली बात, ये सीट ज़रा सी ऊंची है कंपेयर टू द कैरेंस। थिएटर इफेक्ट है, जैसे कि ये पिछली सीट आगे वाली सीट से ज़रा सी ऊपर माउंट की गई है, उस वजह से आपको एक अच्छा खासा व्यू मिल जाता है आगे की विंडो से, साइड की विंडो से। और दोस्तों इसकी जो ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। इसके जो सीट्स हैं
वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आगे की सीट भी कंफर्टेबल है, पीछे की सीट भी कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी बातें जैसे कि आपको एक ही चार्जिंग सॉकेट मिलता है, आपको जो एसी के वेंट्स है वो सिर्फ मिडिल रो में मिलते हैं और आपको सन ब्लाइंडर्स भी नहीं मिलता, तो ये छोटी छोटी बातें हैं वो ये गाड़ी मिस आउट कर जाती है कंपेयर्ड टू द कैरेंस। ऑफकोर्स आपको बहुत सारे फीचर्स तो नहीं मिलेंगे क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर टू द किया कैरेंस, लेकिन अगर ये गाड़ी अर्टिगा से ऊपर पोजीशन की गई है तो डेफिनेटली मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि इसमें काफ़ी सारे आपको और भी ज़्यादा फीचर्स दे, और वो जो ओवरऑल कैबिन की जो फिनिशिंग है, इंटीरियर के पैनल्स है उनका कलर स्कीम, वो भी थोड़े से उसमें भी थोड़े से बदलाव होने चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं इसकी तीसरी रो में और जानते हैं कि इसमें आपको क्या क्या ऑफर होता है। XL6 के थर्ड रो में जाना चाहते हैं तो आपको इसके मिडिल रो के बीच में से जाना होगा, नहीं तो आप इस सीट को थोड़ा आगे झुका कर भी जा सकते हैं, लेकिन किया कैरेंस की तरह ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, इसीलिए थर्ड रो में जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ओके, सबसे पहली बात, इसकी थर्ड रो में कैरेंस से काफ़ी ज़्यादा जगह है, वेरी इंप्रेसिव। इसका जो फ्लोर बोर्ड है वो भी काफ़ी फ्लैट है, अगर आप देख सकते हैं तो ये जो सीट है वो मेरी पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट की गई है, और फिर भी मेरी नीज़ और सीट के बीच में ज़रा सी स्पेस है। पर दोस्तों इसमें इतने फीचर्स नहीं मिलते आपको। ऑफकोर्स इसकी जो थर्ड रो की सीट है वो भी काफ़ी फॉर्म और सपोर्टिव है, इसका जो कंफर्ट है वो भी कैरेंस से ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, लेकिन कैरेंस जितनी फीचर्स आपको नहीं मिलती। बेसिकली आपको बॉटल होल्डर्स मिलते हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए और सिर्फ एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है दो लोगों के लिए, और आप इस सीट में कैरेंस की सीट से थोड़ी सी ज़्यादा समय बिता सकते हैं क्योंकि इतनी टाइट जगह नहीं है, आपको डेफिनेटली स्पेस बहुत ही इम्प्रूव्ड मिलती है। विंडो की साइज़ अच्छी खासी बड़ी होने के कारण काफ़ी धूप अंदर आती है तो क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको फील नहीं होता। तो ये हो गई बातें इन दोनों गाड़ियों के स्पेस और कंफर्ट की, और अब बढ़ते हैं इनके फ्रंट रो सीट्स और ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर। और सबसे पहले गाड़ी है किया की कैरेंस, और इसमें आपको मिलते हैं तीन अलग इंजन ऑप्शंस, जिसमें से दो पेट्रोल है और एक डीजल। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं किया की कैरेंस में, और सबसे पहली बात आप नोटिस करते हैं XL6 की तरह आप इसमें ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं बैठते, आप गाड़ी के कैबिन में चैसी में काफ़ी नीचे बैठ सकते हो, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको हाइट एडजस्टेबल सीट भी मिल जाती है तो उस वजह से आप अपनी सीट ऊंची कर सकते हैं, बट मुझे ऐसे बैठना पसंद है, टू माई लाइकिंग इट इज़ वेरी स्पोर्टी, वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। और इसी के साथ एक और बात है कि किया कैरेंस काफ़ी चौड़ी गाड़ी है XL6 के मुकाबले, और इसके जो इंटीरियर्स है जैसे कि हमने वीडियो में पहले कहा, लाइट इंटीरियर्स होने के कारण आपको ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी में ज़्यादा सेंस ऑफ स्पेस है, और लाइट इंटीरियर्स के साथ ही साथ इसकी जो ओवरऑल कैबिन की क्वालिटी है, पैनल की क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, वो काफ़ी बेटर है XL6 के मुकाबले। इसके स्टीयरिंग का जो फील है, आप जब कैबिन में आकर स्टीयरिंग पहली बार पकड़ते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम के जो स्विचेस आप यूज़ करते हैं, हेडलाइट स्विचेस, वाइपर स्विचेस, द गियर सिलेक्टर, ये सारी बातें अगर आप नोटिस करते हैं तो इसकी क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है XL6 के कंपैरिजन में। जो वेरिएंट हमारे पास आज है इसमें लगा हुआ है एक 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, और इसे लगा हुआ है एक 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, आपको ये इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी मिलता है। और इसका जो एक और बेस वेरिएंट का इंजन है, नॉट बेस वेरिएंट, एक लोअर वेरिएंट का जो इंजन है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, वो इंजन थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अगर इस इंजन की बात करें तो इसकी जो पावर आउटपुट है लगभग 138 हॉर्स पावर की, ये बहुत ही ज़्यादा है, और 138 हॉर्स पावर होने का फ़ायदा ये है कि अगर गाड़ी में आप फुल लोड भी कर लो, जैसे कि सारे पैसेंजर्स को बिठा लो, साथ में थोड़ा सा लगेज भी लगा दो, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफकोर्स थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, गाड़ी की एक्सेलरेशन थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन पावर डेफिसिट आपको ज़रा भी महसूस नहीं होता। लेकिन दोस्तों जब आपकी गाड़ी फुली लोडेड होती है किया कैरेंस, तब इसमें अच्छा खासा बॉडी रोल आपको महसूस होने लग जाता है। और जैसे हमने पहले XL6 के बारे में कहा कि उसमें एक आपको CNG वेरिएंट मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, आपकी काफ़ी पैसे की बचत करेगा इन टर्म्स ऑफ रनिंग कॉस्ट, लेकिन दोस्तों कैरेंस में आपको एक डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड है, और हम इंडियंस को डीजल ऑप्शंस ज़्यादा पसंद है ओवर CNG अगर आप लंबी ट्रिप ज़्यादा करते हो तो। और कैरेंस की डीजल इंजन का ये एक एडवांटेज है कि आपको वो इंजन
ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी मिलता है, बट ऑफ कोर्स डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइस बहुत ज़्यादा है, 20 से 21 लाख रुपए चली जाती है ऑन रोड आते आते। अब आते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स पर। जैसा हमने पहले कहा, 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इसकी जो शिफ्ट क्वालिटी है वो काफ़ी स्मूथ है, आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि गाड़ी गियर बदल रही है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, इस गाड़ी में आपको मिलते हैं ड्राइविंग मोड्स जो एक्सेल 6 मिस आउट कर जाती है। और इसके ड्राइविंग मोड्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। जब आप इसे इको मोड में चलाते हो तब आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स बदल जाता है और आपको थोड़ी सी डिसेंट फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, 1.4 टर्बो पेट्रोल इंजन इज नॉट नोन फॉर एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी इतनी कुछ खास नहीं है। आपको चलाने में मज़ा तो बहुत आएगा लेकिन फ्यूल बहुत बहुत डिमांड करेगी ये गाड़ी। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी एक्सेल 6 की, उसके फ्रंट रो सीट्स की और ड्राइविंग परफॉर्मेंस की। अब हम आ चुके हैं एक्सेल 6 में। ये है टॉप स्पेक मॉडल, इसका ये मतलब है आपको मिलता है 1.5 लीटर इंजन विद द स्मार्ट हाइब्रिड और साथ ही साथ एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। ये इंजन आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी अवेलेबल है। और दोस्तों, ये गाड़ी में आपको CNG का भी ऑप्शन मिलता है, और अगर आप CNG ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं दोस्तों तो डेफिनेटली आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक तो मिस आउट करना पड़ेगा, लेकिन आपकी फ्यूल कॉस्ट जो है, रनिंग कॉस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव और लाइट ऑन पॉकेट हो जाएगी। एक्सेल 6 की जो ड्राइवर सीट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है और डैशबोर्ड काफ़ी लो सेट किया गया है, इस वजह से आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है बाहर का। और आप इतनी बड़ी गाड़ी अगर आप कोई अनजानी जगह पर ले जा रहे हो तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगता है ये। इस इंजन का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, वो लगभग 101 हॉर्स पावर बनाता है एंड वेरी क्लोज टू 135 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये बहुत ही कम है कंपेयर्ड टू द किया कैरेंस। पर अगर आप गाड़ी में कम लोड लेकर चलते हो, जैसे कि गिन चुन के 2-3 लोग या थोड़ा सा सामान, तो आपके लिए काफ़ी इनफ और सफिशिएंट पावर है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी मैक्सिमम कैपेसिटी पर चल रही है, मतलब 6 ऑक्यूपेंट्स और साथ ही साथ उनका थोड़ा सा लगेज, तो आई थिंक आपको ये पावर बहुत ही कम लगेगी और गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है अपहिल चढ़ान पर, घाट सेक्शन पर, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएगी। और जब आप मैक्सिमम लोड पर गाड़ी चलाते हैं तब इसका जो गियरबॉक्स है उसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है। इसके जो शिफ्ट क्वालिटी है, इसके जो गियर शिफ्ट है, वो ज़्यादा नोटिस होने लग जाते हैं आपको। अगर आप काफ़ी हैवी फुट से गाड़ी चलाते हो, इसका मतलब अगर आप ज़्यादा ज़ोर से एक्सेलरेट करते हो, तो आपको इंजन की काफ़ी आवाज़ें आएगी और गियर शिफ्ट है वो ज़्यादा नोटिसेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लाइट फुटेड ड्राइवर हो और काफ़ी पेशेंटली और आराम से गाड़ी चलाओगे ये, तो आपको इतनी भी कुछ कंप्लेंट्स नहीं आएगी, क्योंकि ये इंजन बहुत ही ज़्यादा क्वाइट और साइलेंट है और इन द लो रेव्स ऑफ कोर्स। और इसकी जो गियर शिफ्ट क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। अब आते हैं मारुति सुजुकी एक्सेल 6 की फीचर्स लिस्ट पर, जो ज़्यादा लंबी नहीं है। आपको बेसिक चीज़ें तो सारी मिल जाती है, लेकिन कुछ बातें हैं जो किया कैरेंस में आपको बहुत इम्प्रेस कर जाएगी, जैसे कि 6 एयरबैग जो स्टैंडर्ड है इसमें वो ऑप्शन नहीं है। किया कैरेंस में आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, एक्सेल 6 में आपको वो नहीं मिलते। किया कैरेंस में आपको ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं, इसमें भी वो बातें मिस हो जाती है। इस वजह से एक्सेल 6 की जो फीचर्स लिस्ट है वो इतनी इम्प्रेसिव नहीं है। और फीचर्स लिस्ट के साथ साथ दोस्तों, जो कैबिन एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का, वो इतना भी कुछ उमदा नहीं है। आपको बहुत बार याद आते रहेगी कि ये गाड़ी मारुति सुजुकी अर्टिगा पर बेस्ड है। ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट, डोर पैनल्स, इसकी जो ओवरऑल बिल्ट स्ट्रक्चर है, बिल्ट क्वालिटी है, वो आपको अर्टिगा की याद दिलाती रहेगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक्सेल 6 मारुति सुजुकी की तरफ से एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, पर अदर देन द बॉडी एंड कॉस्मेटिक चेंजेस, ज़्यादा कुछ बदलाव इतने जल्दी नज़र नहीं आते। पर जैसे हमने कहा कि इसकी जो कैबिन स्पेस है वो हमें बहुत इम्प्रेस कर गई। इसकी जो कैबिन स्पेस की कंसिस्टेंसी है, अगर आप फर्स्ट रो में हो, सेकेंड रो में, या इवन थर्ड रो में बैठे हो, तो आपको डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है। एक और बात है, इसका जो 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कैरेंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, और आपको वो महसूस होगा जब आप बम्पर डम्पर ट्रैफिक में चलाते हो, कैरेंस की फ्यूल एफिशिएंसी जल्दी से ड्रॉप होने लग जाती है, और इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो इतने जल्दी ड्रॉप नहीं होती। इन दोनों MPVs में ज़्यादा अफोर्डेबल है किया कैरेंस। इसकी शुरुआत होती है ₹10.19 लाख एक शोरूम से। मारुति सुजुकी एक्सेल 6 की सबसे लोएस्ट वेरिएंट की प्राइस है
11.41 lakh rupees एक शोरूम। इसका ये मतलब है कि अगर लोवेस्ट वेरिएंट की कंपैरिजन करें तो XL6 किया कैरेंस से 1.22 lakh rupees महंगी है। इसका रीज़न है कि कॉस्ट कॉन्शियस बायर को अर्टिगा का ऑप्शन मिल ही रहा है मारुति सुजुकी की तरफ से। पर अगर आप ऐसे बायर हो जो रनिंग कॉस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो आपको किया कैरेंस में डीजल इंजन का और XL6 में CNG का ऑप्शन मिलता है। किया कैरेंस की एक एडवांटेज ये है कि उसका डीजल इंजन आपको टॉप स्पेक वेरिएंट में भी मिलता है, लेकिन XL6 में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके जेटा वेरिएंट लेनी पड़ेगी जो XL6 का सबसे लोएस्ट वेरिएंट है। इसीलिए हमने इस कंपैरिजन टेस्ट में किया कैरेंस को विनर का बैज दिया है, क्योंकि अपने प्रीमियम फीचर्स, मल्टीपल इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शंस के साथ किया कैरेंस एक वेल राउंडेड पैकेज लगती है। और साथ ही में कैरेंस का CNG वेरिएंट इसी साल लॉन्च होगा, जिससे आपको एक और बायफ्यूल का ऑप्शन मिल ही जाएगा।